The President of Pakistan, under the Constitution of Pakistan, has no option but to sign that kind of a summary. I can delay it for a few days, maybe, but I have to sign it. And I hold the Constitution above self-interest, and therefore I have decided to resign from the office of the President of Pakistan. The whole power of the country supports Sajjad Ali Shah, not anybody else. We only recognize the constitution of the benches by the Chief Justice of Pakistan. Sayyed Sajjad Ali Shah is the only Chief Justice in Pakistan, no other body. 11 rukni bench tha, usme aapka ikhtilafi note tha ki Sindhi Wazir Azam ki hukumat bartaraf karke wapas nahi lai jati, Punjabi Wazir Azam ki lai jati hai, aur aapko kaha gaya ki aap saamp ke bill mein haath dal dein. Aapne kyun ye faisla liya? Supreme Court par hamla kisne karwaya? वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने हमला करवाया? हाँ बिल्कुल. आपको पहले से पता था कि हमला होने वाला है? बिल्कुल, मुझे पहले से पता था और मुझे इतला भी आई थी. तो फिर मैं उस वक्त जो डीजी आईएसआई थे जनरल नसीम राणा, उनको मैंने टेलीफोन किया था. मैंने कहा मैंने ये खबर सुनी है, तो उन्होंने कहा था कि आई विल गेट बैक टू. तो फिर ये एक घंटे के बाद उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, तो कहा कि हमने बात की है प्राइम मिनिस्टर से. वो कहते हैं नहीं, ये गलत बात है, दिस इज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. जस्टिस सज्जाद अली शाह के जो फैसला हुआ, उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी रिमूवल तक? जी, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये था कि 1990s में बड़ी एक स्ट्रगल रही थी जुडिशरी में और गवर्नमेंट में कि अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिसेस. तो उसमें पहले एक जज एक इशू तो जजेस की जनरल अपॉइंटमेंट में था, क्योंकि उस ज़माने में होता ये था कि चीफ जस्टिस जो था वो नाम फॉरवर्ड करता था, फिर यहाँ गवर्नर से अप्रूव होता था, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाता था, फिर प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट वाज एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो उसमें अक्सर गवर्नमेंट जो थी वो पुश करती थी चीफ जस्टिसेस को, खासतौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सेकंड टर्म में बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई जो कि बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स समझी जाती थी. तो उसमें फिर एक केस हुआ अल जिहाद ट्रस्ट का, जो जजेस केस के नाम से भी याद किया जाता है. उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगी. सिर्फ कोई बहुत ही कोई ठोस वजह हो तो गवर्नमेंट टर्न डाउन कर सकती है रिकमेंडेशन, वरना जो आइन में उस वक्त लिखा था चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन, उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया कि ये कंसल्टेशन जो है ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, और जिसका मतलब है कि उनकी रिकमेंडेशन बेसिकली बाइंडिंग होगी. उसमें एक दूसरी जो इशू था वो सीनियोरिटी के हवाले से था कि चीफ जस्टिसेस प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के सीनियोरिटी बेसिस पे, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश रहती थी कि वो अपने जो ज़्यादा उनको फेवरेबल चीफ जस्टिसेस फेवरेबल जजेस लगते थे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, उस तरीके से हाई कोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए. उसमें जो इशू अनडिसाइडेड रह गया वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का. अच्छा, अब उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह साहब, वो पहले तो ये पीपल्स पार्टी से बहुत करीब समझे जाते थे,
उनका बैकग्राउंड एक बड़ा जो मशहूर उनका वो डिसेंटिंग नोट था जिसकी वजह से उन्हें पीपल्स पार्टी में बड़ी वो उन पीपल्स पार्टी में बड़ा उनको अप्रिशिएट किया गया वो था जिसमें उन्होंने डिसेंट किया था नवाज शरीफ की जो डिसोल्यूशन हुई थी उसमें आपको याद होगा कि 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत डिसॉल्व की गई थी गुलाम इसहाक खान ने जो सदर थे उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी उनकी गवर्नमेंट तो उसमें वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सदर ने अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद 1993 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिसॉल्व की गुलाम इसहाक खान ने तो उस मौके पे सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल ऑपोजिट व्यू आया उन्होंने कहा कि नहीं ये जो डिसोल्यूशन है ये गैर आइनी है और उन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रिस्टोर कर दी। अब उस पे सजाद अली शाह साहब का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसेंटिंग नोट आया उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगर सिंध से होता है तो फिर आइन कुछ और कहता है मगर अगर वज़ीर आज़म पंजाब से हो तो फिर आइन की हम किसी और तरीके से तशरीह करते हैं तो उसकी वजह से उन्हें पीपल्स पार्टी में बड़ी एक वो तकवीत मिली। फिर उन्होंने अब ये बात हामिद खान साहब अपनी किताब में लिखते हैं और एतज़ाज़ अहसन साहब को सॉर्ट एज अ सोर्स साइट करते हैं कि सजाद अली शाह साहब ने डायरेक्टली जरदारी साहब को भी अप्रोच किया और उनसे मिले और उनसे कहा कि मुझे चीफ जस्टिस अपॉइंट करें मैं वफादार रहूँगा उस पे अब वल्ला आलम मगर बहरहाल वो चौथे नंबर पे थे और इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी मगर उनको बहरहाल चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। नेचुरली जब ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए तो जो उनके सीनियर जज साहिबान थे उन्होंने काफ़ी यू नो उस पर रिजेंटमेंट भी शो की। अच्छा सजाद अली शाह साहब की रिलेशनशिप भी अपनी जूनियर जज साहिबान से वो हमेशा टेंस रहती थी। कई बीच में इश्यूज हुए एक बार वो उमरे पे गए हुए थे और उन्हें पता लगा कि मेरे पीछे कोई फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है तो उन्होंने फौरन वापस आके उन्होंने मीटिंग भी कैंसिल कर दी। दूसरा इशू आया था उनकी फिर नवाज शरीफ साहब के साथ काफ़ी इश्यूज हुए आपको याद होगा कि फिर अब तक नाउ बाय दिस टाइम नवाज शरीफ साहब की जो सेकंड गवर्नमेंट थी वो फॉर्म हो चुकी थी। अब उनके ताल्लुकात ये शुरू में पीपल्स पार्टी के साथ सजाद अली शाह साहब के ताल्लुकात ख़राब हुए फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उनके साथ भी काफ़ी उनके ताल्लुकात कशीदा रहे उसमें उनकी जो आइनी तरामीम वो लाना चाहते थे उसको भी उन्होंने सस्पेंड किया। बीच में नवाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट के नोटिसेज भी दिए तो पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अदालत उज़्मा में पेश हुआ एज अ कंटेमनर तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इंकरेजमेंट मिली थी टू द जूनियर जजेस उसमें कहते हैं कि शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जो यू नो ही वाज अ टॉप लॉयर एट द टाइम और उस वक्त लीगल कम्युनिटी के कर्ता धर्ता वही थे तो कहते हैं उसमें भी बड़ा उनका रोल था सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब और बाकियों को उनको वरगलाने में और इवेंचुअली फिर पोजिशन ये हुई कि जो जो जूनियर जज साहिबान थे पहले आई थिंक क्वेटा रजिस्ट्री में बेंच थी आई थिंक सईदुज़्ज़मान साहब की और नासिर असलम जायद की अगर मेरी याददाश्त सही है तो anyway, वो क्वेटा में बैठे हुए थे तो उन्होंने वहाँ क्वेटा में एक ऑर्डर पास कर दिया कि अगर अल जिहाद का सीनियोरिटी प्रिंसिपल ये चीफ जस्टिस पे भी लागू होता है और चूँकि ये सजाद अली शाह साहब फोर्थ थे इन लाइन तो इसलिए वो अहल नहीं थे चीफ जस्टिस अपॉइंट होने के। उसी तरह का फिर एक फैसला पेशावर हाई कोर्ट में इसी तरह एक बेंच थी वो भी 2 या 3 रुकनी बेंच थी उन्होंने भी एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। यहाँ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस साहब ने अपना
बेंच बनाया, उसमें उन्होंने वो दोनों ऑर्डर्स जो थे वो सेट असाइड करने की कोशिश की। इवेंचुअली बड़ा एक अजीबोगरीब मंजर था कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच थी जिसकी सरबराही सज्जाद अली शाह साहब कर रहे थे, दूसरी बेंच एक बनी जिसकी सरबराही सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब कर रहे थे, और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के पास यही, और दोनों बेसिकली सेम ही केस सुन रहे थे कि आया चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात हैं एंड वेदर ही इज़ द राइटफुल चीफ जस्टिस और नॉट। और अक्सरियत जजेस की, आई थिंक जो सईदुज़्ज़मान साहब के साथ आई थिंक कोई 10 जजेस थे और वहाँ 5 जजेस थे, तो द मजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज विद सईदुज़्ज़मान साहब। और इवेंचुअली फिर फैसला मलिक असद अली में ये आया कि ये गलत तरीके से चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे सज्जाद अली शाह साहब, और फिर अजमल मियां साहब चीफ जस्टिस बने, सज्जाद साहब जो थे वो ऑन लीव चले गए, और फिर कुछ उसके चंद महीनों बाद वो रिटायर हो गए। बदकिस्मती से हमारे जजेस जो हैं दे वर ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ। पैसे लिए थे उन्होंने? लिए थे या नहीं लिए थे वो तो अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन ये तो सारी बातें अखबारों में आई थी, ब्रीफ केस लेके गए थे, सूट केस लेके गए थे। इस तरह की बातें होती हैं कि जिस तरह के पैसे गए थे और इल्जाम लगते हैं कि रफीकदार साहब बैंक में घूम रहे थे, ये कहां तक सही है? देखिए कहानी तो बताई जाती है कि एक प्राइवेट जहाज़ पे शरीफुद्दीन पीरजादा और तारा साहब गए थे बलूचिस्तान और ब्रीफ केस लेके गए थे वगैरह। आई डोंट नो, आई मीन उसकी कभी कोई तस्दीक तो हुई नहीं और ना ही मैं समझता हूँ अब मुमकिन भी है, जो सारे फरीकैन हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मगर मैं नहीं समझता कि शायद उस चीज़ की ज़रूरत भी हुई हो। देखिए बिकॉज ये चीज़ ये तो चीज़ रिकॉर्डेड है और सब उस वक्त के जज साहिबान और वकला साहिबान सब बताते हैं कि सज्जाद साहब जो थे ही वॉज अ वेरी अनपॉपुलर चीफ जस्टिस के इन टर्म्स अनपॉपुलर इन टर्म्स ऑफ विद इन द कोर्ट, क्योंकि वो अपनी जज साहिबान को अपने साथ नहीं रख पाते थे फॉर वट एवर रीजन्स, पर्सनैलिटी रीजन्स या जो भी हो। मगर सो देर वॉज दिस टेंशन, उस टेंशन का फ़ायदा हुकूमत ने उठाया, बिल्कुल उठाया। जजेस की जो ग्रीवियंसेस थी सज्जाद साहब के खिलाफ वो बढ़ती गईं, और फिर नेचुरली जब हाउस डिवाइडेड हो तो फिर हमसाये जो हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छा, हाउ डू यू सी दैट इवेंट इन टुडेज इवेंट, व्हाट्स द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस? देखिए मैं नहीं समझता कि बंदयाल साहब उस तरीके से आइसोलेटेड हैं जिस तरीके से सज्जाद साहब एंड में हुए। अलबत्ता ये बात है कि देर आर टू प्लेसेस जहां मैं समझता हूं कि बंदयाल साहब कुड हैव पॉसिबली केप्ट हिज कोर्ट मोर यूनाइटेड। एक तो जो काजी फैज ईसा साहब का जो केस हुआ जिसकी वजह से बहुत विजिबली अदालत उज़्मा में जज साहिबान के दरमियान दरारें आईं, वो और उस केस में मुझे याद है अपना जब मुनीर मलिक साहब आर्ग्यू कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया भी कि ये बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज की यू नो साजिश है, ठीक है, ऑन यू नो ऑनेस्ट जज उनको अब वो उन्होंने क्योंकि वो फैज़ाबाद धरना में ये वो कैसे फैसले दे दिए हैं तो उस वक्त फैज़ हमीद साहब उनसे नाखुश थे, तो उनकी अगर अब वहाँ पे अगर ये जज साहिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आप इस चीज़ पे मोहर लगा देंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो जजेस और उनकी उनके अहले खाना पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं वगैरह, तो ये फिर मामला बड़ा दूर तक जाएगा, कोई भी जज आइंदा महफूज नहीं रहेगा। और इस चीज़ से जो अदालत है वो अपना अंदर से कमज़ोर होगी, जजेस में डिविजन्स आएंगी। बहरहाल मैं समझता हूँ शायद उस केस को ज़्यादा एक्सपेडिशियसली और ज़्यादा क्लियरली रिजॉल्व करना चाहिए था, और कई बीच में मौके आए कि वो हो सकता था मगर बहरहाल किसी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ काफ़ी जज साहिबान ने उस बात को बड़ा अपना रिजेंट किया, तो आई थिंक दैट वाज वन कॉज। दूसरा जो कॉज मैं समझता हूँ वो ये है कि ये जो
एक पर्टिकुलरली 2017 वगैरह में एक परसेप्शन बना, और वो परसेप्शन चाहे आई मीन यू नो लोगों के दरमियान, जनरली लोगों के दरमियान भी था, और मैं समझता हूँ जज साहिबान, कई जज साहिबान में भी ये एक फीलिंग थी कि शायद जो अदालत है वो उस तरीके से नॉन पार्टिजन न्यूट्रल नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे क्योंकि उस वक्त एक एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था कि वो उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट हटानी थी, एंड यू नो कई तरीके कई यू नो तरीकों से इमरान खान साहब के लिए राह हमवार करनी थी, तो एक परसेप्शन डेफिनेटली बना था कि जुडिशरी ने उस न्यूट्रलिटी से रोल अदा नहीं किया जिस न्यूट्रलिटी से उसे करना चाहिए, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, उनके हवाले से यू नो ख़ास तौर पे बहुत रिजर्वेशंस थी, उस वक्त तक अनस्टेटेड रिजर्वेशंस थी या बहुत हल्के दबे अल्फाज में वो एक्सप्रेस की जाती थी, मगर वो बेसिकली बबल शुरू वो बॉइलिंग शुरू हो चुकी थी उस वक्त। बंदयाल साहब की चीफ जस्टिस बनने के बाद आई थिंक परहैप्स एक परसेप्शन बनी कि बहुत सारे जो अहम आईनी मामलात हैं उनमें बेंचेस जो थी वो यू नो चंद जज साहिबान को बेंचेस में बहुत शामिल किया था किया जाता था, कई जज साहिबान को इंक्लूड नहीं किया जाता था, तो उसकी वजह से भी रिजेंटमेंट्स थी। देन देर इज़ द इशू जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी, जो जिस तरीके से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सीनियोरिटी एट्सेट्रा, यू नो अगर बिल्कुल ही क्लियर कट कानून हो ना तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, सब मिलके कहते हैं यही है ठीक है। कई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आप जब आप सिर्फ लैंग्वेज ऑफ द लॉ में नहीं देख रहे होते, आप कह रहे होते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या होता है, तो उसमें हर जज का अपना जाती जो जाविया होता है, जो उसकी एक सियासी फिक्र होती है, वो चीज़ें भी काउंट करती हैं ठीक है। अब इंसान है जज साहिबान भी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप तमाम अपने जज साहिबान को कलेक्टिवली लेके चलें, कि सबकी राय शुमारी करें, दोनों तरफ से दाएं हाथ पे भी और बाएं हाथ पे भी सबको शामिल अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एक परसेप्शन बन जाता है कि आप शायद अपनी जो आइडियोलॉजिकल अप्रोच है आप उसको तकवीयत देने के लिए उस तरीके से बेंचेस बना रहे हैं, तो वो उस चीज़ में मैं समझता हूँ कि कुछ कोताही हुई है। अगर ये आज से ये सिर्फ ये अभी का ये इलेक्शन वाला मामला नहीं है, पहले भी यू नो 63A वाले इवन इनफैक्ट ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले केस में भी ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट की गई थी PDM की जमातों ने, उन्होंने कहा था कि सर इस मामले में फुल कोर्ट बनाएं, और उस पर मुझे याद है कि बंदयाल साहब ने बरहमी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आपको हम पे एतमाद नहीं है हम उठ के चले जाते हैं, तो उस पर फिर PDM की जमातें पीछे हट गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं सही है। बट आई थिंक ऐसे केसेस में जब आपको पता है कि एक बाहर भी पॉलिटिकली पार्टिजन चार्ज्ड माहौल है, और आपको पता है कि कोर्ट में भी डिफरेंट राय और डिफरेंट आइडियोलॉजीज पाई जाती हैं, तो उन मौक़ों पर बेहतर होता है कि सबको शामिल कर दिया जाए इसमें। यू नो ये सिर्फ अपना पाकिस्तान का इशू नहीं है, अगर आप देखें इंडिया में भी हुए हैं ऐसे वाक़यात के, जो चीफ जस्टिस साहब थे उनके खिलाफ बाकी चार सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में हम शामिल ही नहीं करते, हमें आप रेंट के मुकदमात में लगा देते हैं। अच्छा इंग्लैंड में मैं देख रहा था क्वाइट इंटरेस्टिंगली, जबकि वहाँ तो भाई यू नो सारी जिस तरह मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं यू नो इंग्लिश पार्लियामेंट को, उसी तरह हमारे सारा कॉमन लॉ का सिस्टम वो सारा वो भी अंग्रेज़ों का है। मैं देख रहा था उनका UK सुप्रीम कोर्ट में भी
वहाँ अमूमन बेंचेस बैठती हैं फाइव मेंबर बेंचेस, जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, अब यूके सुप्रीम कोर्ट है. मगर जब बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर इन्वॉल्व, और जिसकी मिसाल है कि जिस तरह जब ये EU से विड्रॉ कर रहा था इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, या बीच में फिर वो वाकया हुआ जब बोरिस जॉनसन उनके वजीर आजम ने पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया, अपना यू नो अडजर्न कर दिया कि वोटिंग ना हो पाए, क्वाइट सिमिलर टू द सिचुएशन हियर. तो वहाँ भी अपना जब सुप्रीम कोर्ट बैठी तो उसमें 11 जजेस बैठे. वहाँ मैक्सिमम फुल स्ट्रेंथ 12 की होती है, मगर इंग्लैंड में बैठते हमेशा ऑड नंबर में है कि यू नो ऑब्वियसली कि मेजॉरिटी क्लियर हो. तो 11 मैक्सिमम पॉसिबल जजेस 11 बैठे. और उसकी दो ही वजूहात होती हैं, एक होती है कि जब बाहर ये पब्लिक में भी ये ना लगे कि हम में से कोई जो है वो पोलिटिकली इंटरेस्टेड है या पार्टिजन है, और दूसरा ये कि इतना अहम ये आईनी मामला है तो बेहतर है कि सबकी राय शुमारी हो जाए. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को मंजूर कर लिया है, और सो मोटो नोटिस के तहत माजी के मुकदमात में सजा याफ्ता मुल्जिमान 30 दिन में अपील दायर कर सकेंगे. करारदाद में कहा गया ये ईवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस समझता है. सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया है. देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी जैसे पार्लियामेंट में जो बिल आया है कि कलेक्टिवली ये चीफ जस्टिसेस की जो बेंच की फॉर्मेशन की पावर है, सुओ मोटो की इनिशिएशन की पावर है, ये चीजें सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये एक कमिटी में शेयर हो जानी चाहिए. टॉप 3 हो या टॉप 5 हो या टॉप 7 हो, उससे कोई इतना, आई थिंक दैट्स अ वेरी रीजनेबल प्रोपोजिशन. जी, सदर साहब ने तो वापस कर दिया, अब हो सकता है इस पे अब सदारती रेफरेंस भी आ जाए अपना. वो चीजें तो हैं, मगर अगर आप देखें, और बात ये नहीं है कि अभी बंदयाल साहब बैठे हैं, कल फैज ईसा साहब बैठे होंगे, जो मर्जी हो चीफ जस्टिस, बात ये है कि इंडिविजुअल, जब आप सारी जो ताकत और सारे इख्तियारात जब आप एक फर्द वाहिद में आप वेस्ट कर देते हैं, तो उसमें फिर अब्यूज़ की पॉसिबिलिटी या परसेप्शन ऑफ अब्यूज़ की पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाती है. जब हम बात करते हैं किसी भी आईनी या कानूनी कोई भी फंक्शनरी हो, हम कहते हैं कि उसकी डिस्क्रेशन है, तो हम कहते हैं वो डिस्क्रेशन जो है उसको स्ट्रक्चर होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए. तो आई थिंक ये जो डिमांड है ये काफ़ी रीजनेबल है, क्योंकि देखिए आईन में कोई चीफ जस्टिस का कोई रोल तो नहीं डिफाइन किया गया. आईन में जहां भी जिक्र है वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है. अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ, और जबकि ये 73 के आईन को आप कंपेयर अगर करें 62-56 और फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, कुछ जो पुराने वाले आईन थे उनमें एक्चुअली बेंचेस की फॉर्मेशन का मामला और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में शामिल थे. 73 के आईन में नहीं है, 73 के आईन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात की है. यहां अगर चीफ जस्टिस की कोई भी सवाबदीदी इख्तियारात हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल से आते हैं. इनफैक्ट इवन बंदयाल साहब की जो एक वो मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट है जिसमें ये कहा था कि सुओ मोटो का इख्तियार जो है वो किसी इंडिविजुअल जज के पास नहीं होना चाहिए बल्कि चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए. मैं तो समझता था कि बेहतर इंटरप्रिटेशन ये होती कि सुप्रीम कोर्ट एज अ होल के पास होती, मगर बहरहाल आपने ये कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब के पास होगी, मगर उसी जजमेंट में सात, और उसमें बंदयाल साहब शरीक थे उस जजमेंट में, बंदयाल साहब भी थे, एजाज़ुल अहसन साहब भी थे, उन्होंने उसमें कहा कि वी रियलाइज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द चीफ जस्टिस अलोन, के सुओ मोटो इनिशिएट भी वो करें और
वो बेंच भी वही फॉर्म करें कि कौन अशखास वो सुमोटो सुनेंगे, तो ये एक इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें बार में भी और बेंच में भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने कहा ये जरूरी हो गया है, अब वक्त आ गया है कि हम इस इम्बैलेंस को दुरुस्त करें। तो जब रियलाइजेशन हर जगह है, ऑन बोथ साइड्स है रियलाइजेशन कि ये अनसस्टेनेबल हो गया है, आइडियल सिचुएशन तो यही होती कि पार्लियामेंट को इस पे कानून साजी की जरूरत ना बनती। आइडियल सिचुएशन तो हमेशा यही होती है कि सुप्रीम कोर्ट जिस हद तक मुमकिन हो वो खुद ही अपने ये मामला तय करे कि दूसरे को फिर मौका ना मिले। काउंटर आर्गुमेंट यही आता है कि अगर इस वक्त इन डिबेट्स को बैठ के अगर काउंटर करना शुरू किया चीफ जस्टिस या कोर्ट ने तो फिर तो इलेक्शन का ही साइड ट्रैक होगा। देखिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन का इशू बिल्कुल बहुत अहम है, इलेक्शन शुड बी ऑन टाइम, टाइम में जो मुद्दत लिखी हुई है उसी मुद्दत में होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। मगर मैं समझता हूं कि उतना ही जरूरी या बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी जो अदालत उज़्मा है उसके ऊपर किसी किस्म की उंगली ना उठ सके कि वो सियासत में मुलव्वस है। जब तक बिकॉज हमारे मुल्क में आपने देखा है तमाम तर जो जितनी भी सियासी इवेंट्स हुए हैं और जितनी भी ज्यादतियां भी हुई हैं उसमें वन वे और दी अदर सुप्रीम कोर्ट को कसूरवार माना गया है। ठीक है, आप चाहे मार्शल लॉज देख लें, आप चाहे तमीजुद्दीन के टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी देख लें, आप भुट्टो साहब की फांसी देख लें, आप 2017 देख लें, 1990 देख लें, 1993 देख लें, जो मर्जी है। ठीक है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वो आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आप आगे बढ़ें तो ये भी फिर अहम है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो अंदर की जो ट्रांसपेरेंसी है और फेयरनेस है उसे इन्हांस करे कि आइंदा इस किस्म के इल्जाम ना लग सके। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और देखिए बात यह है कि कभी भी कोई अच्छा काम करने के लिए बुरा वक्त नहीं होता। इनफैक्ट यूजुअली ये रिफॉर्म्स आते ही तब हैं जब कोई क्राइसिस होता है, कोई जरूरत पड़ती है, वरना आप कहते हैं अच्छा यार सही काम तो चल रहा है ना। एक पंजाबी प्राइम मिनिस्टर का केस को आप मुख्तलिफ तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और सिंधी को डिफरेंट तरीके से। अब ये बात है ईमान वाले मियां साहब के केस में तो उन्होंने कहा कि गलत है, इसको पावर ही नहीं है प्रेसिडेंट को, 58(2)(b) का पावर ही नहीं है। या अल्लाह ये ऐसा, ये तो जुल्म हो रहा है, एक लिखी हुई चीज क्या कह रहे। ठीक है, दो प्राय अच्छा, और हुआ किस पे? इंटरप्रिटेशन पे। पॉलिटिकली जो इस पूरे मंजरनामे को देखते हैं तो वो तकरीबन ये कह रहे हैं कि इट्स ऑलवेज एंड इट्स नून लीग इन क्राइसिस, तो जुडिशरी हैज डिफरेंसेस ऑल ओवर। आई डोंट थिंक सो। अभी कह सकते हैं और 97 में सर्टनली कह सकते हैं, यू नो 2017 में कम्प्लीटली डिफरेंट पोजिशन थी, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद पार्टी हेड से हटाना, फिर यू नो जो फिर इमरान खान साहब का जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस था वगैरह, ये चीज़ें तो यू नो हिस्ट्री समटाइम्स गोज लाइक दिस, समटाइम्स गोज लाइक दिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम सब जानती है ये तमाशा खत्म होना चाहिए, ये आईन के साथ खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। अच्छा, विल इट गो टू दैट एक्सटेंट कि जस्टिस सजाद अली शाह का रिजाइन? देखिए मैं नहीं समझता कि कोई रिजाइन करने की जरूरत भी है, ना ही कोई ये जो मुतालबा है ये सही है। मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के लिए ये लाजिम है कि वो अब यू नो अब अपने टेन्योर के आखिरी महीनों में हैं, वो अपनी लेगेसी जो छोड़ के जाएं वो ये छोड़ के जाएं कि ही लेफ्ट द सुप्रीम कोर्ट इन अ बेटर प्लेस देन ही फाउंड इट।